हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी टाइम से इस वीडियो का आप लोगों को इंतज़ार था। के केस फाइनली आ चुका है और बहुत सारी गाड़ियां इसकी ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिखाई, बट फिर वही हो जाता है कि सारी गाड़ियां एक साथ जब आप केस अनबॉक्स करते हो, इसमें कुछ TH STH मिलता है कि नहीं, ये सब एक्साइटमेंट रहता है। तो अभी खोल के देखते हैं और आप कमेंट करके बताना फिर फाइनली कि इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है। फुल केस की अनबॉक्सिंग की काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे थे, फाइनली ये सामने आ चुका है। देखो यहाँ पे जो K लिखा हुआ है ना, 95 LK, सो दिस इज़ वेयर इट सेज K। तो आप देख सकते हो, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने समझाया है कि केस आप कैसे पहचान सकते हो। वंस अगेन थैंक्स टू मिनिएचर टॉय शॉप फॉर दिस। और अब इसको खोल के देखते हैं, होपफुली। देखो सील्ड केसेस में ये भी होता है कि कभी कभी STH वगैरह भी निकल जाते हैं, वो भी एक रहता है, बट आज की डेट में बहुत दिनों से मैं केस अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं मिलता है इंडिया में, थोड़ा उसका सीन कम ही रहता है। देखते हैं क्या क्या मिलता है। कार्स इसमें इंटरेस्टिंग है, कुछ मैंने फेवरेट कार्स की अलग से भी वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। इसमें से ये देखो, खोलने के बाद अभी आप देखोगे ये एंगल बेस्ट होता है। कुछ इंटरेस्टिंग कार्स इसमें सामने सामने ऐसे फ्रॉम द फेस ऑफ इट नज़र आ रही हैं, मेरे ख्याल से एक अक्यूरा वगैरह दिख रही है। शुरू करते हैं वन बाई वन। इस केस में भी पिछले वाले केस की तरफ बहुत सारी फैंटेसी कास्टिंग्स हैं। ये नीचे वाली दो फैंटेसी हैं, ऊपर वाली कस्टम कमैरो है पिछले केस की। ये भी क्वेश्चन होगा कुछ लोगों का कि इतने सारे रिपीट्स क्यों हैं, तो हमेशा जो एक केस की कार्स होती हैं वो नेक्स्ट केस में ओवरलैप होती हैं, तो इसमें जे केस की कार्स बहुत सारी आपको ओवरलैप नज़र आएंगी। ये नीचे वाली फैंटेसी है, बीच वाली सेस्टो एलिमेंटो न्यू है, मोकरी कुगर फिर पिछले केस की है, और वो जो नीचे वाली बस है ना, हांगकॉन्ग की वो बस है, हांगकॉन्ग की जो मिनी इलेक्ट्रिक बसेज होती हैं उसका वो फैंटेसी वर्जन बनाया है हॉट व्हील्स ने। नीचे जोंडा भी पिछले केस की, कोबरा इस केस की न्यू है, ऊपर वाली जो ये केक जैसी दिखने वाली फैंटेसी है वो भी पिछले केस से ही कैरी फॉरवर्डेड है। कमेंट्स तो बहुत आते हैं कि चाहिए पूरा केस, पर भाई इतने सारे फैंटेसी चाहिए तभी लेना। देखो फिर से फैंटेसी, नीचे वाली मॉडरॉड ये एक आर्ट कार फैंटेसी है, बीच वाली P1 पिछले केस की है, रिंग क्रेसर इस केस की है, बट ये भी एक फैंटेसी ही है। तो ये एक इशू रहने वाला है, जब भी आप पूरा का पूरा केस उठाओगे तो देखो भाई हॉट व्हील्स बच्चों का खिलौना है और बच्चों को फैंटेसी अच्छी लगती हैं। नीचे वाली अक्यूरा है JDM मिलडेट और ऊपर वाली पोर्शा करेरा, तो करेरा और अक्यूरा इस केस की नई है और दोनों बढ़िया कार्स। मिलडेट पिछले केस की फैंटेसी है, आर्ट कार है, उस पर Y लिखा हुआ है ऊपर। और देखते हैं इसमें से काफ़ी सारी पुरानी वाली नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ही ओल्ड कास्टिंग्स। इसमें भी देखो ये नीचे वाली जो मैड माइक ड्रिफ्ट अटैक मैंने पिछली बार आप लोगों को दिखाई थी, वो पगानी जोंडा भी पिछले केस की है, ऊपर वाली मस्टैंग SVO ये फॉक्स बॉडी ये नई है, रेड कलर की है, बढ़िया लग रही है। इसकी शायद मैं अगले वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स दिखाऊंगा। फिर से एक और अक्यूरा, ये बैटमैन की नई वाली है, ये एनिमेटेड सीरीज़ की है, पिछली वाली में आर्कहम की आई थी। ये ऊपर वाला जो है फैंटेसी है बाहा बाइसन, बट ये अक्यूरा और बैटमोबाइल नहीं है, एनिमेटेड वाली बैटमोबाइल है। आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताना, मुझे तो नॉर्मल वाली ज़्यादा सही लगती है, एनिमेटेड वाली कोई खास ऐसी लगती नहीं है। ये एक टून पोर्शा है, ये तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई ये वाली आपने कैसे स्किप कर दी, ये तो लेने लायक है। ये फिर दो पुराने वाले बर्थडे बर्नर और डिलोरियन, तो डिलोरियन और बर्थडे बर्नर दोनों ही पहले के हैं, एक फैंटेसी है एक मेन लाइन है। फिर ये तीनों नए फाइनली, ये स्काईलाइन है लिबर्टी वॉक, बाकी दोनों तो आपने देखे, पर ये जो है स्काईलाइन ये काफ़ी बढ़िया है, लिबर्टी वॉक ग्रे कलर की है, डिटेल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, कार्ड पे भी देखो लिबर्टी वॉक भी लिखा हुआ है, देन एंड नाउ सीरीज़ की है। तो ये JDM लवर्स की तो वन ऑफ द फेवरेट्स रहने वाली है, ये और अक्यूरा, जो भी जापनीज कार के फैंस हैं ये दोनों तो डेफिनेटली लेंगे इस केस में से। ये लेटर क्रेटर है पिछले केस की, और ड्रैगटर ये ड्रैग रेसिंग वाला ट्रैक्टर इस केस में नया आया है, बट फैंटेसी है, मैं लेते लेते छोड़ दिया था इसको भी, ये टैंक जैसा है। ये मेरे पास किसी और कलर में होगा शायद, पहले मैंने एक बार ब्लू कलर का लिया था, पुरानी कास्टिंग है हॉट व्हील्स की, ये बस नया कलर आया है। कस्टम CG8 कमैरो स्पीड बम्प, ये तीनों ही पिछले केस के हैं शायद, यही अगर ये कोई फर्स्ट टाइम अगर ये केस आया होता तो फिर जो गाड़ियाँ अभी हमें देख के ऐसा मतलब बोरिंग सा फील हो रहा है, पहले वो देख के एक्साइटमेंट होती पुराने केस वाले, बट अभी पुराना केस आ चुका था तो ये सब देख के थोड़ा इरिटेशन हो रहा है, जैसे कि ये बाहा बाइसन कूगर एलिमिनेटर ये सब जे केस की हैं, सारी रिपीट्स हैं। ये भी आया था पिछले में, ये लेटर क्रेटर है, फैंटेसी कास्टिंग है। तो 36 कार्स अभी अपनी फिनिश हो चुकी हैं, टॉप में 36 होती हैं, नीचे 36 होती हैं, टोटल 72 कार्स होती हैं एक केस में। फाइनली अभी नीचे कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है, देखते हैं, जिसका हम वेट कर रहे थे इतनी बेसब्री से। वाओ, ये तीनों ही देखो, जेस्को कोनेक्सेक जेस्को माजडा 787B और ये बोन शेकर, ये बोन शेकर इस केस की ट्रेजर हंट है।
तो फाइनली तीन सबसे अवेटेड कास्टिंग इस केस की, चलो कुछ तो बढ़िया नज़र आया बहुत टाइम के बाद, नहीं तो एकदम ऐसा बोरिंग सा फील होने लगा था इस केस को अनबॉक्स करते टाइम, ऐसा लग रहा था कि जे केस को ही अनबॉक्स कर रहे हैं। फिर ये लैंड रोवर भी न्यू है, लैंड रोवर न्यू है, डक पुराने वाले की है, ये जो गार्बेज ट्रक है ये न्यू है, तो नीचे वाले दो फैंटेसी हैं। लैंड रोवर बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पिछले साल भी आई थी आई थिंक लास्ट केस में, क्यू केस में शायद एक आई थी, ये ट्रायम्फ पिछले केस की है। बुगाटी, बुगाटी इस केस की न्यू है, ऊपर वाली फैंटेसी है बट मेन बुगाटी है यहाँ पे, बुगाटी और आप समझो कि वो जो माजडा है वो दोनों बहुत ज़्यादा डिमांड में मैंने देखी हैं, डिमांड में तो वैसे सारी ही हैं ऑलमोस्ट, ये सब फिर पिछले केस की हैं, ये तीनों ही पिछले केस की हैं, यूनिमॉक भी पिछले केस की है, कैमेरो भी पिछले केस की है, और पजीरो तो पिछले केस की एसटीएच ही थी। आप लोग में से काफ़ी लोगों को मिली भी है, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे। ये फिर टून चार्जर और ऊपर वाली जो है लेइंग लो राइडर, ये अच्छी है इस केस की फैंटेसी है, पर लो राइडर्स का जिनको शौक है वो अच्छी है, पिछले साल मैंने ली भी थी, ग्रीन कलर की बहुत अच्छी सी आई थी। यहाँ पे फिर कुछ और हैं, दिस इज़ द कमैरो, पजीरो, ये दोनों पिछले केस की, और ये गार्बेज ट्रक इस केस का है पर फैंटेसी है तो बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे ये नीचे वाली कार इंटरेस्टिंग है, फ्रेंडशिप डे स्पेशल है, तो दिस इज़ द 24/7। ऊपर वाली देखो तीनों ही फैंटेसी हैं कायदे से, पर नीचे वाली फ्रेंडशिप डे स्पेशल है, तो आई थिंक सम पीपल माइट बाय इट, फैंटेसी होते हुए भी ये किसी को गिफ्ट देने के काम आएगी। फिर ये टून चार्जर, मैक्लारेन P1 RX7, तो ये तीनों ही पिछले केस की हैं। चार्जर पिछले केस में आप लोगों ने ली थी क्या, आप कमेंट करके बताना, बाकी तीनों तो बढ़िया है। यहाँ पे फिर दो बढ़िया ऊपर में ये मूवी कार्स जो हैं, बम्बल बी ट्रांसफॉर्मर्स की बीटल और ग्रू मोबिल, ये मिनियंस में जो ग्रू मोबिल आपने देखी होगी, और ये ट्रांसफॉर्मर्स की बीटल जो है ये तो बहुत ज़्यादा इन डिमांड देखी है मैंने, डिटेलिंग वगैरह बहुत अच्छी है इसकी, डिटेल भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बेस भी इसका बहुत अच्छा है, क्रोम बेस है और उसमें वो ट्रांसफॉर्मर्स का हेड बना हुआ है, और ये मिनियंस की ग्रू मोबिल है, पहले बहुत पहले आया करती थी, बहुत सालों से नहीं आ रही थी, तो जिनको मिनियंस का शौक है कुछ इंटरेस्टिंग सी है ये, एकदम ही अलग है नॉर्मल मेन लाइन से, बट आई थिंक प्लास्टिक बॉडी, वो आप कंफर्म करना। ये तीनों ही फैंटेसी हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान देने वाला है नहीं। मैंने एक बार पूछा भी था पिछले केस के टाइम पे कि क्या आप लोगों को फैंटेसी पसंद है, आप लोगों ने बोला था नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिर और भी इंटरेस्टिंग कार्स देखो, 92 मस्टैंग और ये पॉन्टियाक एजटेक है, तो ये दोनों ही इस केस में न्यू आई हैं, नीचे वाली डिलोरियन तो पिछले केस की थी पर ये दोनों हैं, और मैं देख रहा हूँ लोगों को पसंद भी आ रही हैं ये दोनों। एसयूवी लवर्स के लिए फिर ये दोनों बढ़िया हैं, KNN वाली जो जीप है और ये क्राइसलर पैसिफिका, क्राइसलर की डिटेलिंग थोड़ी एवरेज सी है पर जीप की लिवरी बहुत अच्छी है KNN वाली, तो काफ़ी हद तक यही है गाइज अपना ये केस की अनबॉक्सिंग है। कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके बताना, इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है, आपको कौन कौन सी मिली है, कोई एसटीएच मिली कि नहीं। थैंक यू।